साई करुणा मिशन हम चला रहे हैं पिछले 25 साल से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम एक नया टॉपिक ले, एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। चलिए 2 मिनट का एक मेडिटेशन करते हैं, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और एक सेंटरिंग मेडिटेशन करते हैं। मैं आपको गाइड करते रहूँगा और उसके बाद हम आज जो भी रिसर्च हुआ है एंजाइटी और माइंड स्ट्रेस डिप्रेशन उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ओके, चलो तो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें। फोकस ऑन योर ब्रेथ। कुछ समय आंखें बंद रखनी है और ध्यान सांसों के आवन जावन पे। इनवोक गॉड गॉडेसेस, मास्टर गुरु, आप जिन्हें भी मानते हो आप उनका आह्वान कर सकते हो। गेट कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ, कनेक्टेड टू द डिवाइन माइंड। इनवोक 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। बी अवेयर about your body and breath. अपने आप को तैयार करें। ज्ञान के लिए, ऊर्जा शक्ति के लिए, डिवाइन ग्रेस। लास्ट 30 सेकेंड्स, फील द वाइब्रेशन। स्लोली ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलें विद अ बिग स्माइल। चलो आगे बढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल टॉपिक को। शुरुआत करते हैं पहले माइंड की थ्योरी को समझने के लिए, माइंड की फिलॉसफी, माइंड का जो स्ट्रक्चर है, माइंड का जो फ्रेम है उसे समझने के लिए। हम बहुत से चीज़ें लाइफ में सोचते हैं लेकिन होती नहीं है, इसके रीज़न क्या है। बहुत से क्वेश्चन है हमें अपने लाइफ के बारे में, कामयाबी के बारे में, पैसों के बारे में, हमारे बीमारियों के बारे में, रिश्तों के बारे में। आज उन सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं।
कोई नहीं चाहता कि मुझे स्ट्रेस हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, लेकिन ये क्यों होती है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। कल रात को जब मैं लैंड कर रहा था यूएसए और मैंने वो डिफरेंस देखे हैं कि यूएस के लोगों को और इंडिया के लोगों में मैंने कुछ डिफरेंसेस देखे हैं माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू, आज मैं उसको कहीं ना कहीं उसको एक्नॉलेज करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि हम जिस वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए, क्या वो सही है गलत है, आज उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो, ब्यूटीफुल है यहाँ पे माइंड को देखना, समझना कि माइंड को अगर हम डिवाइड करने जाएं तो फोर चीज़ों में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। ये चार चीज़ों में हमने इसको देखा है कि बहुत अच्छे से डिवाइड हो चुका है। जो वेस्टर्न कंट्री है, जो वो का रन होता है हमारा वेस्टर्न कंट्री कॉन्शियस माइंड से, और हमारा जो ईस्टर्न कंट्री है जैसे कि इंडिया स्पेशली, वो रन करता है कलेक्टिव पैटर्न से और उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, भावनाओं से, इमोशंस से। वेस्टर्न कंट्री में लोग बहुत प्रैक्टिकल है, यूरोप में जाओ, सिंगापुर, दुबई में जाओ, या ऐसे यूएस कंट्री, लंदन, जितने भी हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, बहुत लॉजिकल लोग हैं, हर चीज करने से पहले सोचते हैं, और ईस्टर्न कंट्री वाले करने के बाद सोचते हैं, ये इसका फ़र्क होता है करके। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं या हम लोग ज़्यादा कामयाब हैं? चलो आगे देखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये माइंड का अगर आप स्लाइड देख रहे हो तो इसमें समझ में आ जाता है कि अचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बहुत से इमोशंस डंप किए हैं, और हमारे ईस्टर्न कंट्री में, हमारे इंडियन कल्चर में इमोशनल इसलिए डंप किए हुए होते हैं क्योंकि बचपन से हम पेरेंट्स की बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, अपने जो भी पूर्वज हैं या अपने माता पिता हैं उनकी भावनाओं से हम बड़े पले हैं, और जो वेस्टर्न कंट्री वाले के बच्चे लोग हैं वो किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स से जुड़े, कनेक्टेड नहीं रहते। इसलिए मैंने देखा है कि 7th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में बच्चा जब आता है तो उसे इंडिपेंडेंट किया जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे तो इवन शादी के बाद भी बच्चा डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे होता है और पेरेंट्स अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसे इसको सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल माइंड कहते हैं हम लोग, जिसे मैग्नेटिक माइंड भी किया जा सकता है। तीसरा जो माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि सबकॉन्शियस के अंदर भी एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, और अनकॉन्शियस माइंड होता है कि पिछले जन्मों से कुछ संस्कार आते हैं। एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ये सब चीज़ को नहीं मानता हूँ कि पास लाइफ से भी कोई चीज़ हम ला सकते हैं, लेकिन पिछले 15 साल में जो हमने रिसर्च किया है करीबन 3,500 पेशेंट्स के ऊपर, तो काफ़ी बीमारियाँ जैसे एक बच्चों में जुविनल डायबिटीज़ है, अस्थमा है, कैंसर है, ये इतने छोटे बच्चों को कहाँ से बीमारियाँ आती हैं? ये तो कोई आदि नहीं है सिगरेट तंबाकू के, तो इन्हें बीमारियाँ क्यों होती है? बिकॉज कुछ पिछले जन्मों की इम्प्रिंट्स लाते हैं, कुछ जेनेटिक इम्प्रिंट्स लाते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स की जो जीन्स होती है डीएनए में कुछ बीमारियों के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कुछ लेके आते हैं, और ये उन्हें भी नहीं पता होता है पेरेंट्स को कि हम अपने बच्चों को विक्टमाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको जन्म नहीं दे रहे लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी कुछ कमियाँ खामियाँ और बीमारियाँ भी उन बच्चों को दे रहे हैं करके। तो उससे किस तरह से निकालना वो तो हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी एक कारण है आज के जनरेशन का स्ट्रेस लेवल का। जब हमने वाडिया हॉस्पिटल में बहुत सारे डिलीवरीज के ऊपर रिसर्च किया, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर रिसर्च किया, तो पता चला कि महिलाएं जब गर्भ अवस्था में होती है वो इतने स्ट्रेस टेंशन में होती है, इसलिए होती है कि ये सोचती है कि बच्चा अगर इस कॉम्पिटिशन के युग में आएगा तो वो अपना सर्वाइव कैसे करेगा, मतलब किस तरह से वो अपने सपने पूरे कर पाएगा, उसका एजुकेशन कैसे होगा, उसका फाइनेंस कैसे होगा। तो माँ पहले से ही बच्चे के बारे में सोचती है जब वो गर्भ अवस्था में होती है, और इसका यही कारण होता है कि बच्चा पहला ही ग्रोथ में रिटार्डेड होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर की ग्रंथियाँ होती है वो वीक होती है, जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बहुत वीक होते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होते हैं, कुछ फिजिकली हैंडीकैप बच्चे बॉर्न होते हैं, और कुछ बच्चे बीमारियों के साथ, जैसे उनको अस्थमा होता है तो उसको पेटी में रखना पड़ता है ऑक्सीजन देने के लिए। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार हैं बच्चों के इस परिस्थिति के लिए। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सुपर कॉन्शियस माइंड को बताया गया है जो बहुत छोटा सा है, शायद 2% यहाँ पे दिखाया है, तो क्या ये 2% का सुपर कॉन्शियस माइंड इम्पॉर्टेंट है? ये आगे हम जानेंगे, बिकॉज
ये हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट है और ट्रीटमेंट का पार्ट हम लास्ट में लेंगे। अभी तक जो भी हम बातें कर रहे हैं ये सारी हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, माइंड की एक्टिविटीज़ में जो फिजिकली हम उसको उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं करके। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही चीज़ों को हम जीवन में उतारते हैं। मतलब आपने जो धारणाएं की, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी मान्यताएं हैं, वही आपके शरीर में उतरता है और उसी के लिए आप एक्शन लेते हैं। और इंडिया में तो एक कल्चर काफ़ी धर्मों का है, काफ़ी कर्मों का है और काफ़ी कस्टम्स कल्चर का है। तो जब जो जैसी धारणाएं रखता है उसी की एक्टिविटी आप देखते हो, उसी तरह से अपने जीवन में रहती है। अगर आप देखें तो हमारे अंदर काफ़ी ऐसी मेमोरीज होती है और उस मेमोरीज के हिसाब से ही हमारी लाइफ चलती है। कर तो कभी ना कभी कोई मेमोरीज टॉर्चरिंग होती है, जैसे बचपन में किसी का एब्यूज़ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, या बचपन में कभी टीचर ने इंसल्ट कर दिया दूसरे फ्रेंड्स के सामने, या माँ बाप ने हमारा इंसल्ट किया रिश्तेदारों के सामने, रिलेटिव्स के सामने। तो बच्चा कभी ना कभी उस मेमोरीज के साथ ही आगे बढ़ता है, और चाहे वो 20-25 साल का क्यों ना हो जाए, वो मेमोरीज उसे स्ट्रेस में लाती है, टेंशन में लाती है, तनाव में लाती है, और कहीं ना कहीं वो रिश्तों में भी बहुत सारा कड़वाहट पैदा करती है। तो उस मेमोरीज को भी टाइम टाइम पे डिसॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हमने देखा है, ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो बहुत कम मेडिकल साइंस मानता है, ये अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी कुछ 30% मेमोरीज होती है जो पॉपअप होती है। कर्मों की भाषा में इसे संचेत कर्मा का प्रारंभ कहते हैं, कि समय समय पे कोई कर्म को बाहर आना, तो उसी ये अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन उसको डिलीट करने के लिए या क्लियर करने के लिए आज तक कोई विधि विधान नहीं बना है हमारे ईस्टर्न कल्चर में। और वेस्टर्न कल्चर में ये लोग सेल्फ हिप्नोसिस करके, मैंने देखा है, ट्राई करते हैं इसको निकालने की, लेकिन अभी भी वो 100% कामयाब नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस में, टेंशन में, एनजाइटी में, डिप्रेशन में, जो हम उसको नहीं निकाल सकते। तो सबकॉन्शियस माइंड है जो प्रेजेंट लाइफ का पास्ट है, अनकॉन्शियस माइंड है जो पास्ट लाइफ का पास्ट है। ये दो माइंड को आज आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 18% है, हम जो सोचते हैं वो सिर्फ 18% है, लेकिन जो हम सोच के आए हैं, जो हम बिलीफ सिस्टम में लेके आए हैं, वो 80% है, और वो उसी में से ये माइंड आता है करके। तो कुछ चीज़ें सुपर कॉन्शियस माइंड की, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि बहुत ज़बरदस्त होता है ये सुपर कॉन्शियस माइंड, जो आज तक कभी मेडिकल साइंस ने इसकी खोज नहीं की, ना नासा ने की है, ना हम डॉक्टर ने कभी सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में खोज की है। लेकिन जब हमने ऑरा रिसर्च, जो एनर्जी का रिसर्च है, उससे जब हमने पता लगाया, तो ये माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में हमारे लिए वाईफाई है, उतना इम्पॉर्टेंट ये सुपर कॉन्शियस माइंड है। तो आपको पता है कि कोई एक नया मोबाइल भी जब हम खरीदते हैं और जब उसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो पहला मैसेज ये आता है, प्लीज़ अपडेट योर मोबाइल। हम तो सोचते हैं अभी अभी तो ये मैंने पैकेट खोला है, अब इसको अपडेट क्यों करना है, क्योंकि जब ये कंपनी में बना था 2 महीने 4-6 महीने पहले, तब उसका सॉफ्टवेयर अलग था, और जब हम खोलते हैं तो तब उसको अपडेट करना पड़ता है। तो हमारा भी ये ब्रेन जो है, इसको सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके हमें अपनी लाइफ को समय समय पे अपडेट करना पड़ेगा, और अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस टेंशन बढ़ेगा करके। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि हमें अपने माइंड को अपडेट क्यों करना है और कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जब हमारे माता पिता अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे, तो वो उनका वातावरण अलग था, सोच अलग थी, लाइफ अलग थी, उनके रीति रिवाज अलग थे। और आज का जो जनरेशन है, आज के जो एनवायरमेंट है, आज का जो कल्चर है, आज की जो डिमांड है, जो कंपटीशन है, जो एजुकेशन है, वो टोटली अलग है। तो इसलिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। हमारे माता पिता ने जो हमारा माइंडसेट बना के दिया है, कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड है। इसलिए काफ़ी बार हम कहते हैं कि माँ बाप और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। ये शब्द आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब सोच में फ़र्क है, उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत सारा फर्क है, राइट। पहले के ज़माने में लोग 15-20 साल पैसे जमा करते थे, फिर एक घर मकान खरीदते थे। आजकल की सोच ऐसी है कि पहले घर मकान खरीद लो, उसके बाद ईएमआई पे करो, बैंक से लोन ले लो, और उसके बाद आप हफ्ते पे करो। तो ये देखो कितना बड़ा सोच में फ़र्क है करके। वो वेट नहीं करते कि 15-20 साल के बाद हम कोई अपना मकान घर ले करके। अगर कोई छोटी भी चीज़ खरीदनी है तो आज हम तुरंत खरीद लेते हैं और फिर हम उसके किस्तें भरते हैं, ईएमआई पे करते हैं। तो ये फ़र्क होता है, ये पहला है। दूसरी बात ये है कि पीरियोडिकली अपडेट क्यों करना है।
क्योंकि अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आपको जो आज की परिस्थिति में जो नीड है, जो डिमांड है, उसको समझना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, और उसके लिए आपको अपने माइंड को अपडेट रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा है इस युग में कि हमारे पास टेली कम्युनिकेशन है, हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम समझ सकते हैं कि आज क्या शेयर मार्केट में चल रहा है, आज कौन से प्रकार के हॉलीवुड की डिमांड है, बॉलीवुड की डिमांड है, आज कौन सा बिजनेस ज़्यादा फ्लरिशिंग कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की सोच क्या है। शायद इसी वजह से हम लैंडलाइन से लेके पेजर तक आए, पेजर से लेके मोबाइल तक आए, क्योंकि हम लोगों की नीड को समझ पाए और इसलिए हम उसको प्रोवाइड कर पाए। लेकिन जब भी हम मार्केट में उतरते हैं तो हर समय कुछ एक नई डिमांड होती है, और अगर आप उसको सप्लाई नहीं करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आप पुराने कोई प्रोडक्ट को लेके बैठे हो, पुराने सोच को लेके बैठे हो, पुराने बिजनेस को लेके बैठे हो, और लोग कुछ नया चाहते हैं, और जब तक कुछ नया नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब हाल ही में पता चला कि कोई गाड़ियां जो डीजल की थी वो बैन की गई है और पेट्रोल की आ गई है, और अब पेट्रोल की गाड़ियां लोग खरीद इसलिए नहीं रहे क्योंकि बहुत महंगी होती है, तो इसलिए अब हाइब्रिड गाड़ियां आने शुरू हो गई करके, अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियां शुरू हो गई है। ये कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मतलब अगर आप अपने माइंड को अपडेट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की डिमांड को पहचान नहीं पाओगे और आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं आज वही कामयाब है जो समय समय पे कुछ नई चीज़ों को लॉन्च करते हैं, है ना, पुरानी चीज़ों को वो आउटडेट की प्रोडक्ट्स को वो लोग डिस्कार्ड करते हैं, वो निकाल देते हैं, बिकॉज अब उसका कोई मायना नहीं रहा। एक ज़माने में 6600 नोकिया का 2 GB का मोबाइल होता था, 2 MP का मोबाइल होता था, और आज 2 MP का तो कोई मोबाइल खरीदेगा भी नहीं। आजकल के मोबाइल में 12 से 24 और अभी 48 MP के मोबाइल आ गए हैं। अब उसकी मेमोरी मिनिमम 64 GB, 128, 256 GB के आ गए हैं, मतलब आप सोचो कि डिमांड कितनी बढ़ गई है करके। इसलिए हमें अपडेट करना होगा। उसके लिए एक चीज लोगों के अंदर कमी है, एंड दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी, एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन विद द कॉस्मिक डिवाइन माइंड। ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना कि हमारी टेलीपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीपैथी का मतलब है किसी के माइंड को समझना, किसी के माइंड को रीड करना, कस्टमर के माइंड को रीड करना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रीड करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए और एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट देते हैं और कस्टमर खुश होता है और वो तुरंत खरीद लेता है। तो ये हमारे अंदर साइकिक एबिलिटी जिसको कहते हैं, साइकिक पावर कहते हैं, टेलीपैथी जिसे कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान के अंदर होना चाहिए, तब वो किसी ना किसी की डिमांड पूरी कर सकता है। आपके अंदर ये क्वेश्चन आया होगा कि मुझे ये चीज़ें कैसी पता चली। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे खुद अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था 1995 से 1998 में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में और कुछ अलग अलग मेडिकल हॉस्पिटल्स में, तो मैं पेशेंट्स के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा था कि पेशेंट क्या चाहता है। हम तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम तो दवाई देते हैं, सर्जरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पेशेंट ये चाहता था कि मुझे बगैर दवाई के ठीक होना है, मुझे बगैर सर्जरी के ठीक होना है, और ये शायद हम डॉक्टर कभी रीड नहीं कर सकते थे। हम अपनी ट्रीटमेंट को एम्फोसाइज करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, डोमिनेट करते हैं, लेकिन पेशेंट कभी सर्जरी नहीं चाहता, पेशेंट कभी दवाई खाना नहीं चाहता। तो मैं धीरे धीरे इस सिस्टम को समझ लिया, मैंने लंदन में गया, वहाँ पे मैंने ऑरा की कुछ एनर्जी की रिसर्च की, माइंड थेरेपी की मैंने US में रिसर्च की, माइंड पावर डॉक्टर टोनी रॉबिन से मैंने सीखा, NLP मैंने सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं हमें इंसान को पढ़ना आना चाहिए, इंसान की एनर्जी को सेंस करना आना चाहिए, सिर्फ हमें अपने सेंसेस से काम नहीं करना है, सामने वाले की भी एनर्जी क्या कहती है, सामने वाले का माइंड क्या कहता है, ये समझना टेलीपैथी का काम होता है। थोड़ा आगे देखते हैं कि ये टेलीपैथी क्यों करनी चाहिए। बिकॉज एक बड़ा रिसर्च हुआ है कैलिफोर्निया की साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ने, वो कहते हैं कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार आते हैं, और 94% नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, सिर्फ 6,000 थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि 54,000 हमारे अंदर कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं और 54,000 सामने वाले के अंदर क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, मतलब उसको कौन सा फियर है, इनसिक्योरिटी है, जलसी है, हेट्रेड है, रिवेंज है, ये हमें समझना पड़ेगा, और हमारे अंदर भी क्या नेगेटिव चीजें हैं ये हमें समझना पड़ेगा। और जब तक आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे आप सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं करोगे, ये चीज बहुत मायने रखती है। इसलिए आज जो भी रिश्तों में कड़वाहट है,
कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच के इश्यूज है, बच्चे पेरेंट्स के बीच में इश्यूज है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। हम अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, टीचर स्टूडेंट को नहीं समझ पाते, स्टूडेंट टीचर को नहीं समझ पाती है, कस्टमर शॉपकीपर को नहीं समझा पाता है, शॉपकीपर जो होता है या सेल्समैन होता है वो कस्टमर को नहीं समझ पाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सामने वाले को बहुत माइन्यूटली रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाले के अंदर ये तीन थॉट्स हो, तीन चीजें होती है। पहला होता है डिजायर, उसकी इच्छा क्या है, दूसरा होता है उसका इंटेंशन क्या है, और तीसरा होता है कि उसे क्या अचीवमेंट करना है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपके अंदर भी डिजायर्स क्या है, आपके अंदर इंटेंशन क्या चल रहा है, और आपके अचीवमेंट्स क्या आपको करने हैं, पहले तो ये आपको पेपर पे उतारना होगा, अपने आप को पूछना है। सिर्फ अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, ब्लाइंडली लाइफ को नहीं जीना है, क्लियर कट करना है। मैंने ये क्वेश्चन 1998 में अपने आप से पूछा था एक दिन, और मैंने 21 आवर्स नॉनस्टॉप मेडिटेशन किया था, और उस दिन मुझे पता चला कि मेरी डिजायर्स क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे अचीव क्या करना है। और उस दिन के बाद मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद की और मुझे समझ में आया कि मेरा अचीवमेंट करना है रिसर्च वर्क, और उसके पीछे जो मेरे इंटेंशंस थे वो थे कि मुझे बहुत सारी थेरेपियों के ऊपर काम करना है, और मेरा डिजायर ये था कि मुझे 100% पेशेंट को सेटिस्फाई करना है। तो देखो कितना फर्क है, जिस दिन मैंने अपने आप को जान लिया मेरा जीवन बदल गया, मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो आपको भी अपनी डिजायर्स अपने आप को पूछनी है, इंटेंशन पूछना है, आपको क्या अचीव करना है ये आपको पूछना पड़ेगा। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। अब इसको जानने के लिए हमें ये चार चीजों से गुजरना पड़ेगा। पहला है हमें थॉट समझना है, सेकेंड है हमें फीलिंग समझनी है, थर्ड है हमें फिजियोलॉजी समझनी है, और फोर्थ है हमें बिहेवियर पैटर्न समझना है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहले के बारे में तो मैंने आपको बताया, थॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो जब तक अपने नेगेटिव थॉट्स को आप नहीं समझोगे ना, आप उसको निकाल भी नहीं पाओगे, आप उसको क्लियर भी नहीं कर पाओगे। मतलब आपके अंदर विचार गलत 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 चल रहे हैं, और आप सही चीजों का कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हो नहीं रहा है। सही चीजें आपको कुछ चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए या अच्छा जॉब चाहिए, आप नहीं, क्योंकि सोच आपकी नेगेटिव है। तो पहले सोच को समझो कि कौन से विचार मेरे अंदर बार बार आ रहे हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे डिजायर्स के लिए, मेरे इंटेंशन के लिए और मेरे अचीवमेंट के लिए। पहले ये देखो कि कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी या नेगेटिव है, उसको पहले बहुत क्लियर करना जरूरी है। जैसे मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे बहुत साल पहले, वो ये थे कि आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विथ माई मेडिकल साइंस, और मैं प्रैक्टिस मेडिकल साइंस ही कर रहा था। मतलब मैं डॉक्टरों की ट्रीटमेंट से खुश नहीं था, और मैं खुद डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था, मैं खुद दवाई से के अगेंस्ट था और मैं पेशेंट को दवाइयां दे रहा था, मैं सर्जरी के अगेंस्ट था और मैं पेशेंट्स की सर्जरी कर रहा था। तो आप सोचो, मुझे ये अपने नेगेटिव थॉट समझने के लिए भी कुछ समय लगा। ये पहला चीज है वो आपको क्लियर करनी है। सेकेंड चीज है आपको अपनी फीलिंग समझनी है, मुझे कौन सी फीलिंग्स में पॉजिटिविटी महसूस होता है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव चीजें आती है, कि आपको गाने में अच्छी फीलिंग आती है, डांस करने में अच्छी फीलिंग आती है, आपको शूट करने में फीलिंग आती है, या आपको किसी को हीलिंग करने में आती है, किसी को आप चॉकलेट देते हो तब अच्छी फीलिंग आती है, किसी को आप डोनेशन देते हो, सर्विस देते हो, सेवा करते हो, तब आपको फीलिंग अच्छी आती है। ये पहले चेक करो, और कहाँ पे आपको नेगेटिव फीलिंग आती है ये भी आपको चेक करना है, कि मैं ये करती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अंदर है ना बहुत घुटन सा लगता है, मुझे डिप्रेशन सा लगता है, मुझे बहुत डर सा लगता है, मुझे इरिटेशन सा होता है। ये फीलिंग आपको समझनी है, क्योंकि अगेंस्ट द फीलिंग कुछ भी करोगे ना, लाइफ में अचीवमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे थॉट्स मेडिकल साइंस के लिए अगेंस्ट थे, मेरी फीलिंग्स मेडिकल साइंस के लिए अगेंस्ट थी, और मैं खुद मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप सोचो, मैं पेशेंट को कुछ खुश नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी फीलिंग ही नेगेटिव थी उस सिस्टम के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे अच्छी फीलिंग्स कब आती थी, कि जब मैं नेचर के साथ रहता था, एनवायरमेंट में रहता था। तो मैं बहुत साल पहले जब मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, तब मैं पंचगनी जैसे हिल स्टेशन पे जाता था, और वहाँ के वातावरण में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ये सोचा एक दिन, क्यों ना मैं पेशेंट्स को भी इसी वातावरण में लेके आऊँ, जहाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है, जहाँ पे 100% ऑक्सीजन है, जहाँ पे सिल्वर ओक के पेड़ हैं,
जहाँ पे लोग बहुत अच्छा फील करते हैं जब वो घूमने के लिए आते हैं। तो मैंने 60 पेशेंट्स कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट को पंचगनी में एक महीने के लिए रखा और उसके बाद मैंने देखा 80-85% पेशेंट ठीक हो गए। जस्ट उनको अच्छे वातावरण में रखने से उनकी फीलिंग सुधर गई, उनके थॉट पॉजिटिव हो गए। उनको वहाँ पे मैंने योगा करवाया, मेडिटेशन करवाया और मैंने उनको रॉ डाइट पे रखा, कच्चे खुराक पे रखा, मतलब मैंने अनाज ही नहीं दिया उनको। तो एक महीना जब मैंने ये किया और उसको मैंने टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में री इन्वेस्टिगेशन करवाया तो पेशेंट ठीक होने लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी जगह पे एनवायरमेंट पे जाना है जहाँ पे फीलिंग आपको अच्छी आती है। इज इट राइट? पहला थॉट्स था, सेकंड फीलिंग थी। अब थर्ड मैं आपको फिजियोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये फिजियोलॉजी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बिकॉज जब मैं खुद फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, हमको एक सब्जेक्ट था दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी और उसमें हमें समझाया गया था कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, आपकी हार्ट की कैपेसिटी कैसी है, आपकी पेनक्रियास की कैपेसिटी, आपकी किडनी की, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी कैसी है, महिलाओं में यूट्रस की कैपेसिटी या हार्मोनल्स की कैपेसिटी कैसी है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके डिसफंक्शंस क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे कब काम नहीं करते, ये फिजियोलॉजी हमें समझाया गया था फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में गया था तब मुझे ये बताया गया कि इंसान की जब फिजियोलॉजी बिगड़ती है तो वो जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, राइट? और थर्ड ईयर में हमें समझाया मेडिकल कॉलेज में कि जब वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है, जब उसकी फिजियोलॉजी शरीर की बिगड़ती है, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसे दवाई देनी पड़ती है या तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ये थर्ड ईयर मेडिकल में मुझे समझाया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर किसी की फिजियोलॉजी बिगड़ती है, उसकी शरीर में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, उसके रसायन इम्बैलेंस होते हैं, तो उसे दवाई देके ही क्यों हम ठीक करते हैं या उसकी सर्जरी क्यों करते हैं, हम उसको सहजता से नॉर्मली क्यों रिकवर नहीं कर सकते। ये एक क्वेश्चन बहुत मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था करके, क्योंकि जैसी हमारी फिजियोलॉजी होती है, जैसे शरीर के अंदर आपके केमिकल्स होते हैं एसिडिक अल्कलाइन, वैसे ही आपके बिहेवियर पैटर्न होता है। आप देखना जिसकी पित्त प्रकृति होती है ना, उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव होता है, वो बाद बाद में गुस्सा हो जाता है, उसको माइग्रेन ज़्यादा होता है, उसको हेडेक ज़्यादा होता है और वो छोटी छोटी बात में ना चिड़चिड़ ज़्यादा करता है, उसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो जाता है। तो आपको पहले फिजियोलॉजी समझनी होगी कि आपका कौन सा अवयव सिस्टम ऑर्गन डिसफंक्शन है, नॉर्मल काम नहीं कर रहा है ना। जब आप उसको नॉर्मल करोगे तो आपका बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा। इज इट राइट? तो उसके लिए कोई आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको नेचर की जरूरत है, आपको अच्छे एनवायरमेंट की जरूरत है, आपको पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है, आपको अच्छी फीलिंग्स की जरूरत है, तब जाके आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होगी। आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है और आपको सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना करके, तो आपका बिहेवियर पैटर्न पॉजिटिव होगा। आपने देखा होगा जो पेशेंट मरीज अस्पताल में रहते हैं या जो घर में भी बीमार रहते हैं, वो कितने चिड़चिड़ करते हैं, कितने गुस्से में रहते हैं हमेशा, है ना, पूरे वातावरण को वो नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी नेगेटिव है, इसलिए वो सब चीज बिहेवियर पैटर्न से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर करना है, ये बहुत इजीली जानना है। अब यहाँ पे एक मैं आपको रिसर्च के कुछ फोटोग्राफ्स बताऊंगा कि जहां पे आपको समझ में आएगी कि जो अब तक मैंने जो बातें की उसका एक्चुअली साइंस किस तरह से प्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर एंड ऑरा। ऑरा का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारी सोच जो है, थॉट्स जो है, वो इलेक्ट्रिकल होती है। जो हमारी मैग्नेटिक इमोशंस फीलिंग होती है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंप्लीट कहते हैं करके। तो इंसान के जो भाव होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, इंसान की जो सोच होती है वो इलेक्ट्रिकल होती है, और दोनों के मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होता है। तो कुछ लोगों का ये इंद्रधनुष जैसा होता है, विबग्योर के जैसा होता है, और कुछ लोगों का जो सोच होती है या इमोशंस होते हैं वो बहुत फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो जैसा अभी किसी के अंदर डर है, गुस्सा है, तो उनका एकदम येलो या रेड फ्रीक्वेंसी का होता है। जिसके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग होती है, उसका हार्ट बहुत ओपन हार्टेड होता है, उसकी ग्रीन फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसका ऑरा भी ग्रीन कलर का होता है। जिसके अंदर शांति है, पीस है, उसका वाइट कलर का ऑरा होता है। और जिसके अंदर बहुत स्पिरिचुअल जिज्ञासा है, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति, उसका वायलेट कलर का ऑरा आभामंडल का होता है। अब यहाँ पे हम कलर्स देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा नेगेटिव और हमारा पॉजिटिव
किस तरह से आकर्षित करता है। हम बाहर की दुनिया को ब्लेम करते हैं कि ये इंसान मेरे जीवन में आया तब से मेरा प्रॉब्लम हुआ, जब से मैंने ये घर खरीदा तब से मेरे प्रॉब्लम हो गया, जब से मैंने ये जॉब किया बिजनेस किया तब से मेरा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिसर्च एनर्जी लेवल पे या क्वांटम साइंस के लेवल पे हुआ है वो कहता है आपके अंदर जो भी है आप बाहर से उसी को अट्रैक्ट करते हो, उसी को आकर्षित करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मुझे सिगरेट पीनी है तो मैं ऐसे 10 लोगों को अट्रैक्ट करूंगा जो सिगरेट पीते हैं, और अगर मुझे जूस पीना है तो मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगा जो जूस पीते हैं करके। मतलब बाहर से कुछ नहीं होता, ये हमारी अंदर सोच फीलिंग्स पे इम्पॉर्टेंट है करके। तो आपका भी यहाँ सिंपल चीजें हैं, आप अंदर जो भी पकड़ के बैठे हो, आपके जो सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, जो गोल्स हैं, जो विश है, जो विजन बोर्ड है, यही आपका इंटरेस्ट है, यही डिजायर्स है, और यही एक्शन आप लेते हो। तो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है और अगर आपको वो चीज चेंज करनी है तो सबसे पहले तो सोच बदलनी पड़ेगी, फीलिंग्स बदलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपका जो भी फिजियोलॉजिकल करेक्शंस है, बिहेवियर पैटर्न है जो मैंने पहले आपको बताया, उसको करेक्ट करना होगा, तब जाके आपका एक्शन बदलेगा। ऐसे ही एक्शन नहीं बदलेगी। मैं अपना एग्जांपल फिर से देता हूँ, मैंने सोच बदली तब मैं मेडिकल से स्पिरिचुअल रिसर्च में आया। जब तक मेरी सोच नहीं बदली थी तब तक मैं मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपको ये बदलनी होगी। थोड़ा आगे देखते हैं कि किस तरह से चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके अंदर पैसों के लिए बड़ी पॉजिटिव सोच है तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो डॉलर में बिजनेस करते हैं, यूरो में बिजनेस करते हैं, पौंड में बिजनेस करते हैं। और अगर आपकी सोच बहुत सिकड़ी हुई है, मनी के लिए बहुत नेगेटिव सोच है, तो आप उनको अट्रैक्ट करोगे जो हमसे भी करेंसी लो लेवल की है। जैसे अगर आप नेपाल में जाओगे तो उनकी लो करेंसी है कंपेयर टू इंडियन करेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आप हायर करेंसी को अट्रैक्ट करते हो कि लोअर करेंसी को अट्रैक्ट करते हो, आप एजुकेटेड लोगों को अट्रैक्ट करते हो कि इलिटरेट लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप विद्वान को अट्रैक्ट करते हो कि अंगूठा छाप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ये ऑल डिपेंड्स अपॉन आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। और अगर आपने अपनी मान्यता अपनी सोच बदल दी तो आप अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे मैंने पिछले करीबन 15 साल से मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, टूर पे जाता हूँ रिसर्च करने के लिए, तो बड़े बड़े साइंटिस्टों को मैं अट्रैक्ट करता हूँ इंडिया के बाहर। और इंडिया में मैं पिछले 15 साल से सारे सेंट जो साधु संत होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, मैं उन लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ रिसर्च करने के लिए। जब तक मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था मेरे क्लिनिक पे सिर्फ पेशेंट आते थे जिनको कफ कोल से कैंसर की बीमारी आती। जैसे मैंने अपनी सोच बदली, मेरी दुनिया बदली, तो डेफिनेटली मैंने अलग लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। राइट? सो ये चीजें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखिए कि आपके अंदर कौन सी चीजें हैं और किसको आप अट्रैक्ट करते हो। मतलब आप ट्रैवलिंग को इंजॉय करते हो, आपके सक्सेस के फिलोसॉफीज क्या हैं, आपके मायने क्या हैं, आपके मटेरियल डिजायर्स क्या हैं, और आप किन लोगों से कनेक्ट होते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनलिंग, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज किया है। चैनलिंग का मतलब है कि आपका कनेक्शन किन लोगों के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है, पॉजिटिव लोगों के साथ है, कि नेगेटिव लोगों के साथ आपका कनेक्शन है। जिनके साथ आप कनेक्ट होंगे वैसी आपकी दुनिया होगी, ये चीज ध्यान में रखना। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं ना वो अच्छी दोस्ती में रहे, अच्छी फ्रेंड सर्कल में रहे। राइट? मतलब उनका चैनल अच्छा होना चाहिए, और अगर बिगड़े हुए दोस्त हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों का भी भविष्य खत्म हो सकता है। राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि हमारे कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है। राइट? अब उसके बाद हम देखेंगे कि इस ऑरा की रिसर्च, जो एनर्जी की जो रिसर्च कहती है कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का विसरण है। मतलब अलग अलग जगह पे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की एनर्जी के डिपोजिशन से, अगर कहीं देखोगे तो डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे फेंट है, ये सब चीजें कैसे, यहाँ पे कुछ मैंने ऑरा के पिक्चर को एनर्जी को एक्सप्लेन भी किया है। ऑरा क्या है? इट्स अ फोटोन, इट्स अ लाइट इमिटेशन। मतलब एक नॉर्मल इंसान का हम फोटो लेते हैं और हमारे पास एक लंदन का मशीन है जिसको हम कहते हैं BFR, बायो फील्ड रीडर करके, बायोफील्ड इमेजर करके, ऐसे करके हमारे पास कुछ मशीन से PIP, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी, ये टेक्नोलॉजी है कुछ जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे हम मेडिकल साइंस में रेडियोलॉजी यूज करते हैं, सोनोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI मशीन यूज करते हैं, वैसे ये ऑरा का मशीन है जो ये बताता है हमारे अंदर स्ट्रेस कितना है, टेंशन कितना है, गुस्सा कितना है, फियर कितना है, एंजाइटी कितनी है, ये सब ऑरा बहुत इजीली यहाँ पे बता सकता है। जितना आपको अपने बारे में नहीं पता इतना ऑरा आपके बारे में बहुत कुछ अच्छे से बता पाएगा। आपको ये नहीं पता कि आप
आपको कहीं पितृ दोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रह का दोष है, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का इश्यूज है, आपको पैरेंटल इश्यूज है, जेनेटिकल इश्यूज है, जीन्स का इश्यू है, ये आपको नहीं पता, लेकिन ऑरा में बहुत इजीली पता चलता है। और जैसे जैसे हम ये ऑरा की स्टडी करते हैं बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन, योगा या एनवायरमेंट या हीलिंग, बहुत सारे अलग अलग हम स्टडी करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि पहले जो डार्क एनर्जी थी वो धीरे धीरे कैसे लाइट एनर्जी होती है। ये पीरियडिकल स्टडी है, ऐसा नहीं कि रातों रात आपकी एनर्जी फील चेंज होने वाली है, उसको 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल लगेंगे कंसिस्टेंटली। उसके बाद आपके अंदर जो भी अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस है या फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स है या बिहेवियर पैटर्न्स है, ये धीरे 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 चेंज होते जाएगी। और जब वो चेंज होगी तो आपकी दुनिया अलग रहेगी, आप नए लोगों को अट्रैक्ट करोगे, पुराने वाले लोग फिल्टर हो जाएंगे, राइट? और अब नए दोस्त बनेंगे, नया बिजनेस, नया प्रोफेशन, नया जॉब, और आपकी अबंडेंस की थियरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। या देख सकते हो कि कितने प्रकार की अलग अलग एनर्जी है, ये एक ही इंसान है, इनका मार्च में लिया, इनका हमने अप्रैल में लिया है, इनका मई में लिया है, तो 3 महीने के अंदर इनकी पूरी एनर्जी फील चेंज हो गई। जो डार्क कलर का ऑरा था वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। तो इसी तरह से हमें भी अपनी एनर्जी की स्टडी करनी है, अपने एनर्जी लेवल को क्लियर करना है, और हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, केमिकल ब्लॉकेजेस हैं, या थॉट्स के ब्लॉकेजेस हैं जो हमने कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, जो न्यूरोट्रांसमिशंस है, न्यूरोट्रांसमिशंस का मतलब ब्रेन से जो सिग्नल बॉडी में जाता है वो कहीं ना कहीं गलत सोच के वजह से गलत सिग्नल जाते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। जैसे मेरे अंदर अगर टेंशन स्ट्रेस ज्यादा है, मैं कोई भी खाना खाता हूँ तो मुझे 2-3 घंटे पचने में लगेंगे, क्योंकि सिग्नल स्लो जाते हैं। और अगर मैं टेंशन फ्री हूँ, स्ट्रेस फ्री हूँ, तो 5-10 मिनट में गैस्ट्रिक जूस मेरे स्टमक में क्रिएट होगा, ट्रांसमिशन सिग्नल बहुत जल्दी जाएंगे, और 15-20 मिनट के अंदर मेरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहाँ पे 2 घंटे लगते थे पाचन करने को, और कहाँ पे 15-20 मिनट में मेरा डाइजेशन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरा अब न्यूरोट्रांसमिशन बहुत फास्ट है, मेरे माइंड में कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई अनवांटेड थॉट्स इमोशंस नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन लास्ट में यह आता है बिफोर एंड द टॉक कि ये चेंज कैसे करना है, मतलब किस तरह से हमें ये ट्रीटमेंट करनी है। मैं आपको बहुत ईजी तरीका आज बताता हूँ। आपको है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से लाइफ को जीना नहीं है, आपको डिवाइन माइंड के हिसाब से चलना है। तो आप बोलोगे डिवाइन माइंड तो मुझे पता नहीं, ह्यूमन माइंड मुझे पता है, ह्यूमन माइंड जो टेंशन तनाव में रहता है, तो ये डिवाइन माइंड क्या है? डिवाइन माइंड वो है जो संतों का माइंड है, जो भगवान का माइंड है, जो हमारे गुरुओं का माइंड है, जो मास्टर का माइंड है, जो अपने हायर एनर्जी से चलते हैं, जो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से चलते हैं, जो कर्मों की थियरी के हिसाब से चलते हैं। जैसे कृष्ण का माइंड था, या जीसस का था, गुरु नानक का था, या राम का था, कृष्ण का था, साईं बाबा का था, या हनुमान जी का था, ये सारे लोग वो हैं जो डिवाइन माइंड से चलते थे। और मुझे लगता है शायद इसलिए हम उनको इतने सालों से पूजते हैं, इतने जन्मों से हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनको नाम को उनके नाम लेके हम जप करते हैं करके, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से चलते हैं। आजकल का जो जनरेशन है, आजकल का जो समय है, वो मटेरियलिस्टिक समय है, मैनिफेस्टेशन वाला, बहुत जल्दी जल्दी कमाना है, खाना पीना है, कुछ स्टेटस बनाना है, तो ये लोग ह्यूमन माइंड से चलते हैं, ये लोग डिवाइन माइंड से नहीं चलते। तो ये लोग की कामयाबी भी टेम्पररी होती है, ये लोग के मैनिफेस्टेशन भी टेम्पररी होते हैं, इनको अचीवमेंट हो भी जाती है ना तो भी बाद में सुकून नहीं मिलता, हैप्पीनेस नहीं मिलती है, ये लोग इंजॉय नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, गाड़ी बंगले बना लेते हैं, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने एथिकली उस चीज को अचीव नहीं किया है, उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से अचीव नहीं किया है, उन्होंने नेचर के लॉ से अचीव नहीं किया है, उन्होंने ह्यूमन माइंड के कॉर्पोरेट माइंड से, कॉम्पिटिशन के माइंड से अचीव किया है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कॉम्पिटिशन नहीं करनी है, आप कोई स्पर्धा में नहीं हो, इज इट राइट? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी, नाना नानी, ये लोग बहुत स्लोली अपनी लाइफ चलते थे, और बहुत लेट इनका अचीवमेंट होता था, लेकिन इनका परमानेंट अचीवमेंट होता था। और हमारा फास्ट अचीवमेंट होता है, कॉर्पोरेट लेवल में 2-4 लाख का पेमेंट सैलरी मिलती है, और 2-3 साल के बाद पता चलता है कि यह जॉब से निकाला गया है, रिसेशन आ गया करके,
है ना, बिजनेस खत्म हो गया, वहां पे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, एनजाइटी बढ़ जाती है। यही आज का टॉपिक था कि क्यों ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती है, क्योंकि हम यूनिवर्सल माइंड से नहीं चलते, डिवाइन माइंड से नहीं चलते, हम सिर्फ ह्यूमन माइंड से चलते हैं। यहाँ पे ये समझना है हमको, वातावरण को देखना है, वातावरण कितना स्लोली आगे बढ़ता है। जैसे एक आम का बीज डालोगे तो 5 साल के बाद आम आते हैं, इज इट राइट? तो हमें भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी चीज़ में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमने ये कछुए की कहानी बहुत बचपन में सुनी थी लेकिन कभी इसको अप्लाई नहीं किया था। आज हम समझ गए हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है लेकिन परमानेंटली आगे बढ़ना है। हमें कोई जोश में नहीं करना है लेकिन होश में करना है। ये देखना है कि हम अपने सपने पूरा करते वक्त किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, किसी अनएथिकल लॉस के हिसाब से तो नहीं चल रहे, कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे, किसी का मतलब गला तो नहीं काट रहे, किसी को फंसा तो नहीं रहे, किसी को चीट तो नहीं कर रहे। अगर ये कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये अचीवमेंट अगर हो भी जाएगा तो ये सब टेम्पररी है और कहीं ना कहीं हम उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे कहीं पे हिल स्टेशन पे लेकिन आप हिल स्टेशन पे जा नहीं पाओगे। आप गाड़ी खरीद लोगे लेकिन आप गाड़ियां चला नहीं पाओगे, राइट? सो ये चीज आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें लॉ ऑफ नेचर के साथ चलना है। जो इंसान नहीं चले कोरोना में वो चले गए, आपने देखा वातावरण ने उसको खत्म कर दिया। तो डोंट गो अगेंस्ट द नेचर, बी विद द नेचर। ये आज का मैसेज है। आपको अगर सही में अपने माइंड को पॉजिटिव करना है तो पहले एनवायरमेंट के साथ रहने की कोशिश कीजिए, राइट? बड़े बड़े लोग हैं वो इतना वातावरण के साथ रहते हैं और कुछ समय के लिए काम करते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा, जैसे अभी आमिर खान है, साल में एक ही पिक्चर बनाते हैं, बाकी के टाइम पे वो वातावरण अच्छे है, पंचगनी जैसे अच्छे वातावरण में वो रहते हैं और कुछ समय के लिए वो काम के लिए आ जाते हैं और वापस वो अपने वातावरण में खो जाते हैं। तो बड़े बड़े जो संत गुरु महात्मा हैं, अगर आप अपने भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, चाहे ब्रह्म कुमारी है, आर्ट ऑफ लिविंग है, सदगुरु है, ये सारे वो गुरु हैं जो दिन में सिर्फ आधा घंटा या एक घंटा प्रवचन सत्संग करते हैं या अपने भक्तों के सामने आते हैं, बाकी के 23 घंटे तो वो अपनी ध्यान साधना में लगे पड़े रहते हैं, इज इट राइट? और हम 25 घंटे, हम 24 घंटे में से 15-20 घंटे काम करते हैं लेकिन हमें उतना नहीं मिलता जितने ये संतों को पैसे मिलते हैं, डोनेशंस मिलते हैं, सहूलियत मिलती है, इतने फंड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल माइंड से चलते हैं। उनका माइंड शांत होता है, पीसफुल रहता है, हैप्पी रहता है, जॉयफुल रहता है और हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं कि इनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम वो चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने तनाव में रहते हैं, इतने हम तब्दील हो जाते हैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट? तो या आज हमने बहुत अच्छे से समझा है कि हमें अपने ऑरा को किसी भी तरह से, हमें नेचुरल साइंस से आगे बढ़ना है। हमें कुछ मेडिटेशंस करने हैं, कुछ हीलिंग करनी है, कुछ योगा करने हैं, कुछ हमें अपनी ब्रेथ मैनेजमेंट करनी है, हमारा माइंड को डीक्लटर करना है, जो अनवांटेड चीजें हैं उसको माइंड से हमेशा के लिए निकालना है, जो भी गुस्सा है, डर है, जलसी है, कॉम्पिटिशन है, रात गई बाल गई, ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम कहाँ पे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कल हम क्या थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कल हमारे साथ क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज आप अपने ही कंपटीशन में हो ये इंपॉर्टेंट है, आप दूसरों के साथ कंपटीशन में नहीं हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेयर डू वी स्टैंड एंड व्हाट वी वांट, ये बहुत चीजें हैं। कल तक जिस चीज को हम इम्पॉसिबल कह रहे थे आज हम उस चीज को पॉसिबल कर पा रहे हैं क्योंकि अब कुदरत की शक्तियां हमारे साथ है, अब एनवायरमेंट की शक्तियां हमारे साथ है, अर्थ की एनर्जी हमारे साथ है, वाटर की एनर्जी हमारे साथ है, फायर एलिमेंट हमारे साथ है, एयर की एनर्जी हमारे साथ है, ईथर की एनर्जी हमारे साथ है। जब ये एनर्जी है तो आप सोचिए कि अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन कितना पॉजिटिव होगा। और ये बहुत सारे कुछ पॉजिटिव मैनेजमेंट टिप्स है जो हमने यहाँ लिखे हैं, मे बी हम आपको फ्यूचर जो भी अभी तक बातें कर रहे थे ये सारी उसकी समरी है अब तक जो हमने बातचीत की है करके। तो इस समरी को जान लीजिए, बी चीयरफुल, बी पॉजिटिव स्पीकर, एट्यूनेट द पॉजिटिव, यूज द पॉजिटिव वर्ड्स टू आउटलाइन द प्लान टू अदर्स, प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, डेवलप आई कैन एटीट्यूड के आई कैन डू एनीथिंग। 1, ओपन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कोई चीज छुपानी नहीं है, कोई चीज दबानी नहीं है, सप्रेस नहीं करनी है, ऑलवेज प्ले द फेयर, मतलब हर चीज को एथिकली करना है, हर खेल
बहुत सकारात्मक तरीके से खेलना है करके, सारी स्किल्स का इस्तेमाल करना है और पीरियडिकली अपना एनकरेजमेंट अपना होना चाहिए, सेल्फ एनकरेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ इंस्पिरेशनल होना चाहिए। दूसरों पे डिपेंडेंट मत होइए, अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट होगे तो गलत जाओगे। इंटेंशन पॉजिटिव रखना है कि मुझे जो भी अपने सपने पूरे करने हैं उस सपनों में मुझे सबको खुशियां देनी है, सबको हैप्पीनेस देना है, राइट? ये इंटेंशन आपका पॉजिटिव, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, तभी आप जाके सेवा कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आपको समय समय पे अपना सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसे जाति स्मरण कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ये समझने के लिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ ये समझना है, और मैं कहीं कहाँ पे सही हूँ और कहाँ पे और सही हो सकता हूँ। तो मेडिटेशन से आप अपने आप को ज़्यादा जान पाओगे, और जितना अपने आप को ज़्यादा जान पाओगे इतना दुनिया को आप अच्छी सेवा दे पाओगे, या अच्छी आप क्या कहते हैं, अच्छी पोटेंशियलिटी आउटपुट दे पाओगे। कनेक्शन अच्छे लोगों से रखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी आपको लगता है ये दोस्त यारी गलत है, ये कंपनी गलत है, सबसे पहले उसे डिस्कनेक्ट करो, भले कितनी भी सामने वाले को बुरा लगे, डजंट मैटर, बट योर कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इसलिए कहते हैं ना कुसंग गति का फल, हमने स्कूल में बहुत पहले समझा था, जाना था करके, आपके कनेक्शन किसके साथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपने समझ गए हो कि आपको, अगर हम समराइज करें आज का टॉक, तो हमें अपने नेचुरल माइंड से रहना है, डिवाइन माइंड से रहना है, गॉड गॉडेसेस की एथिक्स समझना है, सिर्फ भगवत गीता कुरान बाइबल या साई सच्चरित्र पढ़नी नहीं है, उसे संस्कारों में उतारना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, उसको सिर्फ पढ़ के खुश नहीं रहना है, उसको सिर्फ पैरेलली टेक्निकली नहीं रखना है, उसको प्रैक्टिकली अपने अंदर उतारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करके जो मैसेजेस आपको कृष्ण ने दिया है, मोहम्मद पैगंबर ने दिया है, जीसस ने दिया है, साई ने दिया है, उस मैसेजेस को अपने जीवन में उतारना है, फिर देखो आपका माइंड कितना पॉजिटिव फ्रेश रहता है, और आपको कभी एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस कभी नहीं होगा, कभी कोई चीज़ का डर गुस्सा नहीं, बिकॉज आप समझ गए हो कि ऊपर वाला मेरे साथ है और उसकी सारे संस्कार मैंने अपने अंदर उतार लिए हैं और मुझे उसी के साथ जीना है और उसी के साथ मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज जो भी कामयाबी मिली है वो मुझे 12-15 साल के बाद मिली है, तब तक मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आज जो मुझे कामयाबी मिली है वो बहुत आसान हो गई है मेरे लाइफ के ग्रोथ के लिए। तो मैंने उस टाइम पे कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं लिया था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैं बहुत फोकस कर रहा था कि एनवायरमेंटल डिवाइन माइंड के साथ मैं कैसे जी पाऊँ, संतों के हिसाब से मैं कैसे जी पाऊँ, किस तरह से मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने जीवन में उतारते हुए आगे जा करके, इज इट राइट? सो हमें अपना अपने आप को रोल मॉडल बनाना है, दूसरों का किसी का रोल मॉडल नहीं बनना है, किसी को एस फॉलो नहीं करना है, उसने क्या फॉलो किया वो फॉलो करना है, ये चीज ध्यान में रखो, इज इट राइट? क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उसके भी कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, इज इट राइट? तो किसी अमिताभ बच्चन को या बिल गेट्स को या अंबानी को फॉलो नहीं करना है, बिकॉज उनके अपने भी कुछ नेगेटिविटी होते हैं, उनके अपने भी कुछ कार्मिक चीजें होती है, उनके अपने भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव डार्क पार्टिकल्स होते हैं, तो हमें वो एब्जॉर्ब नहीं करना है। जो भी उन्होंने अच्छी चीज़ों को फॉलो किया हमें वही चीज़ें फॉलो करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा लास्ट का मैसेज है। सो थैंक यू वेरी मच, जो लोग भी लाइव जूम पे हैं उनको भी थैंक यू कि आपने इतना समय दिया, और हम आने वाले दिनों में इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और जो लोग भी इसको यूट्यूब पे देखेंगे मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इसको 2-3 बार सुने, एक बार में ये टॉक आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन किया गया है, और आपको समझने के लिए पहले तो आपका माइंड शांत रहना पड़ेगा, आपका भटकता हुआ माइंड कहीं ना कहीं स्थिर रखना पड़ेगा, और पूरा फोकस आपका ऑडिटरी और विजुअल पे होगा, तब मुझे लगता है ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को समझो, ऑरा को समझो, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत जल्दी उतर जाओ। ये मत सोचो कि मैं रिटायर होने के बाद ये सब सीखूंगा या सीखूंगी, ऐसा नहीं है। जितना जल्दी आप कर पाओगे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये आध्यात्मिक चीज़ें को, इतना बहुत मज़ा आएगा आपको लाइफ में, इतने आप स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ जीना सीख लोगे करके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।